राम राम भाई, सभी भाइयों को आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के साथ। तो भाइयों, आज हम देखो खेत की मिट्टी पलट रहे, और ये देखो एम बी पला हुआ रिवर्सिबल, देख लो लैंड आर्ट कंपनी का भाई ये पला हुआ है, देख लो भाई। और ये देखो ट्रैक्टर तो आपको सबको पता ही है, न्यूलैंड 3600-2 ऑलराउंडर, 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है भाई ये। और भाई इस प्लाऊ को भी 45 से 50 से भी ऊपर 60 HP तक का ट्रैक्टर चाहिए होता है। और देखो प्लाऊ भी कितनी अच्छी गहराई ले रहा, देखो भाई 1 फीट से भी ज़्यादा गहराई ले रहा। ये देखो खेत भी कितना अच्छा हो जाएगा, ज़बरदस्त बिल्कुल। तो भाई अभी हम आपको चला के भी दिखाऊंगे। तो और भाई ट्रैक्टर के टायर पर कोई पानी वानी नहीं भर रहा, और ना भाई कोई वेट लग रहा, देख लो जैसा कंपनी से है बिल्कुल ऐसा ही है जुगा तू। और भाई प्लाऊ की कंडीशन भी देख लो, और भाई मैं इसकी अटैचमेंट के बारे में बताऊं आपको, कुछ नहीं भाई, जैसा सब कल्टीवेटर वल्टीवेटर सब चीज़ जुड़ा है इसी तरह जुड़ना, और बस यहाँ पे लग जाते हैं इसके ऑयल प्रेशर के। तो भाई अभी आपको चला के दिखाते हैं।
तो भाई जैसा कि आपने अब तक वीडियो में देखा, ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस भी दिखाई हमने आपको वीडियो में। और भाई ये देख लो, ट्रैक्टर पहले का ही गियर में चल रहा था और 1500 RPM थे। और भाई ये कुछ साइलेंसर बदल रखा है, इस वजह से आपको कुछ लग भी रहा हो लोड वोड हो, भाई भाई बिल्कुल भी लोड नहीं था। और ये देखो गहराई मैंने आपको दिखाई थी। और भाइयों हम इससे भी ज़्यादा गहराई ले सकते हैं, पर इससे ज़्यादा गहराई लेने में हमारे इधर ये दिक्कत होगी, नीचे जो पीली मिट्टी है ये ऊपर आ जाएगी। ये देखो कुछ कुछ आ भी रही यहाँ से, वीडियो में अच्छी इतनी अच्छी तरीके से दिख नहीं रही। और गहराई भाई वो 1 से 1.5 फीट के आसपास है अब भी। ये देख लो, मैं आपको ऊपर से भी दिखा दूंगा ट्रैक्टर के RPM चला के अभी। तो भाई देख लो,